नाउ रीड ऑपरेशन फ्रॉम मेमोरी। अब यहां पर हम कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे, लेकिन कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने से पहले इंस्ट्रक्शन के जो एक्शंस हैं उसको मैं आपको लैंग्वेज की फॉर्म में बता दूंगा, जिससे कंट्रोल सिग्नल्स जो मैं लिखूंगा उसका ओवरऑल आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, मूव आर टू कॉमा ब्रैकेट ऑफ आर वन, और ये मीनिंग आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होता है ऑलवेज, इसलिए मीनिंग आपको गिवन होगा कि मेमोरी ऑफ आर वन में जो वैल्यू पड़ी है वो आर टू रजिस्टर में चली जाए। बात समझ में आई? सर ऐसा ही तो होता है, होता नहीं है, उल्टा भी हो सकता है कि आर टू की वैल्यू मेमोरी ऑफ आर वन में पहुंच जाए, मीनिंग कुछ भी हो सकता है, वो दे सकते हैं। नाउ अब चलते हैं एक्शन नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शंस, फिर मैं कंट्रोल सिग्नल्स लिखता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन इसको करेंगे कैसे। सुनिएगा, मूव आर टू कॉमा मेमोरी ऑफ आर वन ना, तो सबसे पहले आर वन रजिस्टर में जो डेटा पड़ा है वो एड्रेस है, तो आर वन से वो डेटा कहां आ जाएगा? MAR में। और साथ में हम रीड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये कंट्रोल सिग्नल किसको देंगे? मेमोरी को, है ना? मेमोरी को देने के बाद मेमोरी मुझे क्या देगा? डेटा। और वो डेटा कहां आएगा? MDR में, है ना? तो MDR में डेटा जब आएगा तो पहले मैं इसका ये वाला दरवाजा खोल के रखूं कि भैया डेटा आए तो अंदर तो आए, तो मेमोरी वाला इन दरवाजा मैं खोल लूंगा, MDR का मेमोरी इन खोल के रखूंगा, और मैं वेट करूंगा एक सिग्नल की जो मेमोरी मुझे ये बताएगा कि मैं अपनी बस में डेटा डाल चुका हूं, क्योंकि प्रोसेसर को तो पता होनी चाहिए ना कि मेमोरी कितनी देर में डेटा दे रहा है। सोचिए डेटा कैश मेमोरी में है तो थोड़ा जल्दी आएगा, कैश में नहीं है और मेन मेमोरी में है तो डेटा थोड़ा लेट आएगा, और मेन मेमोरी में भी नहीं है जनाब डेटा तो हार्ड डिस्क में आएगा, पेज फॉल्ट हो गया। ऐसे सच केसेस में वो सारी हैंडलिंग किसकी है? उसकी, है ना? तो ऐसे सच केसेस में जहां से भी डेटा आए आए तो ये MDR में आ गया, तो वो जो सिग्नल जो आएगा तब तक हम वेट करेंगे, तब तक प्रोसेसर आइडल रहेगा जब तक कि मेमोरी वो सिग्नल दे ना दे प्रोसेसर को। नो, उसके बाद जो डेटा MDR में आ गया वो डेटा MDR से सिंपली R2 में चला जाएगा, कोई हेडेक ही नहीं है, है ना? तो ये एक्शंस हैं जो मैंने लिख दिए। अब जो मैंने एक बोला कि वो सिग्नल मेमोरी CPU को देगा, एक्चुअली वो है MFC, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। अगर वो राइट परफॉर्म कर चुका है तो WMFC लिखते हैं। क्लियर है? नाउ अब मैं आपको जो बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि ये आपको कभी लिखना नहीं है, ये बैकग्राउंड में सोचना है। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया? R1 आउट, है ना? R1 को आउट किया और MAR इन किया, तो R1 से डेटा निकल के MAR में घुस गया, बहुत बढ़िया। और साथ में एक रीड
कंट्रोल सिग्नल दे दिया। इसका मतलब बहुत ही तसल्ली से एक बात देखना, ये आपका माइक्रो ऑपरेशन है, जिस माइक्रो ऑपरेशन में तीन कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हुए, वो कंट्रोल सिग्नल्स डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवा रहे हैं। R1 का दरवाजा खुला आउट का, और MAR का इन खुला, तो चुपचाप वो वहां पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हमने MDR, अब सुनिएगा, हम दरवाजा MDR का पहले खोल देंगे तो डेटा वहां घुस जाएगा, क्योंकि R1 का आउट किया और दो दरवाजे खोल दिए तो डेटा दोनों जगह चला जाएगा। अब ये कोई इंसान तो है नहीं कि एक ही जगह जगह जाएगा, ये तो कॉपी हो रहा है ना, तो डेटा जितने दरवाजे खुले उन सब में चला जाएगा। नाउ MDR का मेमोरी इन मैंने खोल दिया, तो मैं यहां पर एम इन मतलब मेमोरी वाला इन, और प्रोसेसर इन मतलब ये वाला इन, मेमोरी आउट मतलब ये वाला आउट और प्रोसेसर आउट मतलब ये वाला आउट, MDR के साथ ही लोचा है जनाब, ये बात ध्यान रखिएगा ना। और MDR इन खोल के बैठ गए, हम वेट करेंगे किसकी, WMFC की। जैसे WMFC आ जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आप मेमोरी ने बस में लिख दिया है और हम दरवाजा खोल के बैठे, तो डेटा सीधा कहां आ जाएगा, MDR में आ जाएगा। नाउ MDR का प्रोसेसर आउट कॉमा R2 का इन, तो MDR का प्रोसेसर आउट ये वाला दरवाजा खुलेगा और R2 का इन खुलेगा, चुपचाप डाटा बिना किसी एक दूसरे को बताए कहां घुस जाएगा, R2 के पास। हमारा टारगेट भी यही था। अब बहुत ध्यान से देखना कि ये हो क्या रहा है, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू की साइकिल वन में ये काम हो रहा है, सीपीयू की साइकिल टू में ये काम हो रहा है, और उसी तरीके से साइकिल थ्री में ये काम हो रहा है। यहां पर ये मैं मान रहा हूं कि मेमोरी से जो कुछ काम हो रहा है वो सीपीयू की एक साइकिल में हो गया। मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेमोरी से डेटा सीपीयू की एक साइकिल में आ गया, नहीं हो सकता। तो ये जितने में आया हो वो गिन लीजिएगा, ठीक है। कुल मिला करके ये काम पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन एक साइकिल में नहीं हो सकती, इस बात पे आप फोकस करिए बस, क्लियर है। अगर दो तीन जगह दरवाजे खुल गए और दो तीन जगह दरवाजे बंद हो गए तो जनाब फिर इसका मीनिंग क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, बात समझ में आई। क्योंकि एक जगह आउट वाला दरवाजा खुला, यस यहां पर आउट वाला दरवाजा खुला है और वहां इन वाला दरवाजा खुला है, दरवाजे बंद वन तो बाय डिफॉल्ट क्लॉक के बाद हो ही जाते हैं, है ना। पता चला कि एक जगह बंद हुआ, सर बंद कहां कर रहे हो, अब तो दोनों जगह खोल खोल के चल रहे हो, तो बंद कुछ नहीं है, सारे क्लॉक के बाद, एक क्लॉक के बाद सारे के सारे रजिस्टर्स अपनी यथावत स्थिति में होंगे, सारे दरवाजे उनके बंद होंगे, ना इन खुलेगा ना आउट खुलेगा। यस, इनको लोग बोलते रीड और आउट के दरवाजे को बोलते राइट, मतलब रीड वाला दरवाजा तो रीड कर रहा हूं, राइट वाला दरवाजा तो राइटिंग, कुल मिलाकर के इस तरीके से भी ये बोला जाता, क्लियर है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मुझे कितनी लगी,
3 साइकल्स लगी। क्लियर? ये मानते हुए कि मेमोरी को भी 1 साइकिल लगी। वो बात की बात है कि वो डिटेलिंग कैसे चल रही है। ये है कंट्रोल सिग्नल्स। अब अपन वन बाय वन थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलते। इज देयर एनी डाउट?